दोस्तों दिन में अभी 1 बज गया है यहाँ पे। मैं सो के थोड़ा सा लेट उठा, उसके बाद में और बहुत सारे काम किए, लेकिन यहाँ पे अभी अमित भाई, रंजीत भाई मेरे को छोड़ के बाहर निकल गए हैं। सिर्फ तेजा मेरा वेट कर रहा है कि भैया मैं ये पार्ट शूट करूँ, उसके बाद हम जाएंगे बाहर। तो आज हम कुछ और घूमते हैं, करते हैं कुछ और एक्सप्लोर बार्सिलोना को। उम्मीद है कि आपको आएगा वीडियो पसंद, तो चलिए शुरू करते हैं। बड़ा मस्त मौसम है यार, मजा आ जाता है बाहर घूम के यहाँ पे। सो आपके 2 मिनट 5 मिनट लगा के आपने 4 घंटे हो गए सर, 5.5 घंटे हुए टेक्निकली। मतलब इंडिया का जो टाइम डिफरेंस है पूरा कर दिया, पूरा ही कर दिया, पूरी कसर कर दी हमने। हमने बोला था 2 बजे इंडियन टाइम में बाहर निकलेंगे और इन्होंने कर दिया, बार्सिलोना का 2 बजा दिया। भाई मेरे को 2 बजे बोला टाइम, मैम कुछ नहीं बोला 2 बजे, मतलब 2 बजे। आज का एजेंडा क्या है, एजेंडा बताओ यार। एक बीच पे जाना है। ओके क्या करेंगे पता नहीं। बीच पे रंजीत भाई कल से एक्साइटेड है। बीच भाई करना क्या, बीच नहीं जाना, बीच पे इतना ठंडा है, छोड़ो बीच। ओके सेकंड ऑप्शन नाइट फाउंटेन शो। ओके एंड तो आज कुछ हम इंटरेस्टिंग काम करते हैं। अभी तो हमारी गली से बाहर निकले हैं, हमारे घर से, और सामने बीच बाजार में पूरी चहल पहल है। लोग जो है भैया वो अपना अपना काम कर रहे हैं, हम ही खाली अपने रूम के अंदर बैठे हुए थे। टेक्निकली मैं ही अपना काम कर रहा था, रूम में भी तो भाई लोग तो खाली टाइम पास कर रहे थे। सही बात, टाइम बर्बाद। भाई देखो अभी ग्रुप के साथ में आया तो कुछ तो 19-20 करना पड़ेगा ना, झेलना पड़ेगा। यहाँ पे 10-20 पूरा 19-20 हमारे साथ ही हो रहा है ना। भाई ने सुबह बोला था मैकडी कॉफी के लिए, एंड वी हैव आवर कॉफी। वी डिडंट हैव एनी चॉइस, सिर्फ मैकडोनल्ड की है यहाँ पर नजदीक में, यही ऑप्शन है इसीलिए ना। और बिस्किट कैसे दूं कैमरा में, ऐसे ये देखो भाई, इसको स्पून फीडिंग सुन देता है, ये बिस्किट फीडिंग चल रही है यहां। ब्रदरहुड एकदम पूरा का पूरा ब्रदरहुड है भाई, भाई चाह रहा है ये। भाई ने बिस्किट निकाला, कहीं जेब में छुपा के लेके आए थे रूम में, हमको बता नहीं, सरप्राइज ये बिस्किट चाहिए चाहिए यार नेकी और पूछ। नहीं पूरा धूप निकला है ना। नो इन द अपार्टमेंट वी आर फीलिंग कोल्ड। मेरा कल वाला पास खो गया तो अभी दोबारा से टिकट लेना है। फेंका नहीं यार वो, कि मैं छूट गया तो अभी दोबारा लेता हूँ मैं 2 डेज का वापस से। हाउ मच एवर यू टॉक ऑन द ब्लॉग, 90% of the content anyway is getting deleted. So anyway, this part is getting deleted. I'm sure about that. नहीं तो फायदा नहीं है, इतने मसाले जो बात में फायदा है। नहीं जो चीज इसके बारे में खोलेंगे ना तो कटेगी। हाँ कट 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 कट। और आप प्यार से कुछ बोलो तो मतलब हाँ ये भाई ये तो कंफर्म है। गौरव इज द बेस्ट, ये रहेगा देखो। इससे पहले तो बोला कट कट कट। अच्छा दिस इज गुड आइडिया, अब से हम जो भी बोलेंगे लास्ट में बोलेंगे गौरव इज द बेस्ट। और गौरव को क्या नाम बुलाते गौरव को, दाढ़ी वाला। जो जर्नी है वो बहुत ही छोटी है फिलहाल के लिए, क्योंकि हम अभी हम यहाँ पे हैं कॉल बैंक, हमको जाना है 3 स्टेशन बेसिकली, 2 के बाद में आ जाएगा ये वाला सेंट एस्टेसियो और ट्रेन आ गई है लेकिन दूसरे प्लेटफॉर्म पे है। हमारी ट्रेन को आने में टाइम लगेगा और टाइम है मुश्किल 1 मिनट 41 सेकेंड। अभी टाइम आगे जाने का भाई, कहीं ना कहीं से हवा आती है और अभी गर्म आ रही है, कभी ठंडी आती है, मतलब आगे से पता नहीं कहीं ना कहीं से नेचुरल इमरजेंसी रूट्स तो होते ही है, आप मूवीज में देखते हो। एस्केप प्लान होता है भागने के रास्ते, वहाँ से भागने के। हाँ वो देखो भागने का रास्ता, वो तीर लगा हुआ है, वो भागने का रास्ता है। दोबारा बोलो लाइन, अपन तीन मिलके है क्या, मतलब क्या स्ट्रेंथ, वी हैव स्ट्रेंथ, एक दो और तीन, सुपर 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 स्ट्रेंथ, सुपर स्ट्रेंथ। मेरे को तो काट ही दिया है, नहीं आया ना पीछे डाल के, फोकस तेरे पे ही हो रहा है ऐसा लगा कैमरा देख। ये पता नहीं है, कल से भी देख रहा हूँ, नोटिस कर रहा हूँ, हम लोग को फोकस ही नहीं कर रहा कैमरा। हम तीनों मिलके सुपर स्ट्रेंथ। ये है सेकंड लेग दोस्तों, जो कल हुआ वही आज रिपीट हो रहा है, ये दो लोग और इधर मैं, सेम चीज। सच बताए हमने ऑलरेडी बोला है थर्ड सीट खाली है, इधर घुमा रहा कहाँ खाली है दोस्तों। ये आ गए हमारे एग्जिट लार अम्बला के लिए। ये है फिलहाल अभी मेरे चारों तरफ लार अम्बला, और यहाँ पे हम आए थे मेट्रो से, जिसका ये है पॉइंट बेसिकली। सिर्फ लड़कियाँ पीछे हैं आसपास, और ये थिंक मेरे आसपास है लार अम्बला। अरे नहीं साइड में जो आपको मिलते हैं ये तरह तरह के स्टोर्स, छोटे जहाँ पे आप बहुत सारा आइटम पिक कर सकते हो, हैंडीक्राफ्ट वगैरह, और उसके अलावा मतलब रिलेटेड टू स्पेन एंड बार्सिलोना। उसके अलावा सामने जो है ना ये काफ़ी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, जहाँ पे बहुत से लोग हैं जो तरह तरह के करतब कर रहे हैं, ये काफ़ी मस्त जगलिंग कर रहे हैं यहाँ पे सामने। ये काफ़ी मज़े का सीन है भाई, पूरा का पूरा एकदम स्टिल, और ऐसा एक नहीं है, ऐसा चारों तरफ आपको बहुत सारे इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स देखने को मिल रहे हैं।
काफ़ी एक अच्छा सा, ये काफ़ी अच्छी जगह है यार। तो आइडिया है वो ये है कि हमारे पास में क्योंकि खुले सिक्के नहीं हैं और उसके बिना ये जो भाई लोग चारों तरफ ये परफॉर्म नहीं करेंगे, हम वीडियो में ले नहीं पाएंगे, इसलिए यहाँ से कुछ सामान ले रहे हैं ताकि चेंज मिले ज़बरदस्ती, ताकि चेंज मिले और उसके बाद में हम सबको दें एक 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 यूरो और उसके बाद में फोटो लें, वीडियो लें वगैरह वगैरह। अमित भाई जो है वो इज डूइंग सम स्टफ। ओके हो गया भाई, इधर तो देखो, उधर सामने क्या है, पोज इधर करो, पोज मारो, वो चक्री घूम गया, अभी गुड़िया चालू हो गया है सामने। भाई खुद नहीं कर रहे कुछ, एटलीस्ट रिपीट। कुछ कुछ तूफानी करते हैं। ओके तो ये तूफानी नहीं, काटने वाला है दुकान। ओके ओके इसने बाबा जी को जकड़ लिया है, बाबा दाढ़ी वाले इंसान को काट लिया, क्या खून खराबा हो रहा है। नहीं वो निकलेगा नहीं। तो ये इंसान ने आज बाबा जी को पकड़ लिया है और किए गए बाबा जी आपके। ये कमाल हो रहा है दोस्तों, यहाँ पे बहुत ही मजा आ रहा है, इट्स इंटरेस्टिंग। भाई मजा आ गया। और हमने टोटल खर्चा किया कितने यूरो का? 10 यूरो का। 10 यूरो के अंदर हमने लिए 6 कोस्टर और 6 यूरो दिए दो 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 करके, लेकिन और ये बहुत सही चीज है। अभी हम निकलते हैं यहाँ से, कुछ और आगे जाते हैं बीच की तरफ, तो मजेदार चीज है भाई। अब तो रंजीत भाई भी आगे ब्लॉगिंग के लिए, अब तो अब रंजीत भाई भी शूटिंग आईफोन, लेकिन भाई रिक्शा आ गया सामने देख लो, सामने रिक्शा आ गया, रिक्शा वाली नहीं आई लेकिन रिक्शे वाला है यहाँ पे, भाईचारे में हो अभी तो काटना पड़ेगा। ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग जगह है। अभी हम करने वाले हैं शेर की सवारी और शेर ये मेरे पीछे है और अमित भाई लेंगे फोटो बहुत ही मस्त वाली जो कि आएगी कुछ इस तरीके से, काफी अमेजिंग होने वाला है, फिसलना नहीं है बस, वरना फेल हो जाएगा तो बेइज्जती हो जाएगी। ये पोज़ बढ़िया है। एंड दिस इज इट। ओके ये लो। नहीं ओके अभी आई होप कि आप ये वीडियो देख पा रहे हैं, काफ़ी ऊपर से सब कुछ आप कर रहे हैं एंजॉय, बिकॉज मैं हूँ फिलहाल शेर पे। तो गाइज अभी हमने फोटो तो ले लिया बहुत ही बढ़िया बढ़िया और एक्टिविटी कर ली, शेर पे चढ़ लिया, लेकिन अभी हमको चढ़ना है इस टावर के ऊपर। अभी हमने टिकट कंफर्म कर लिया कि ऑनलाइन तो दिख रहा है वो, अभी अगर काउंटर पे नीचे क्या सीन है जाके देख लेते हैं, उसके बाद में ऊपर जाते हैं। तो हम बोलते हैं मिराडोर कॉलम और ये बेसिकली ये स्ट्रक्चर है जो कि काफ़ी ऊँचा है, 50-60 मीटर के आसपास, और इसी पे जाना है हमको नीचे से, अभी भाई लेके आए और उसके बाद में ये बहुत ही बढ़िया है भाई, हम नीचे आ गए हैं उस स्ट्रक्चर के जहाँ पे हम फोटोज क्लिक कर रहे थे और अभी यहाँ से टिकट्स एंड देन ऊपर 60 मीटर्स। एलिवेटर यू हैव इट एट द एंड ऑन द लेफ्ट, यू कैन हैव द लेफ्ट। ओके थैंक यू, टिकट मिल गया भाई, अभी चलो लेट्स गो। तो रास्ता है वो है अंदर से वहाँ पे, ये काफ़ी पुराना लगता है यार। तो भाई दो लोगों की कैपेसिटी है बिकॉज बहुत ही पतला सा कॉलम है और खतरनाक सी लोकेशन है ना। ओके तो भैया ये हम जा रहे हैं बहुत ही इस पतले से एलिवेटर में। ओके और दिस इज 60 मीटर्स। यस दैट्स राइट। ओके घुसने का एक दरवाज़ा, निकलने का दूसरा दरवाज़ा और थैंक यू। ओके दोस्तों यहाँ पे अभी आ गए हम टावर के टॉप पे जहाँ पे जगह बहुत ही कम है, बस आप एक एक बंदा खड़ा हो सकता है यहाँ पे और इधर बस थोड़ी सी जगह, इधर थोड़ी सी जगह, मतलब मैक्सिमम 10 लोग आ सकते हैं, लेकिन जो व्यू है वो बहुत कमाल का है। यहाँ पे अगर आप देखते हो ना पीछे
तो इधर तो भैया सामने बहुत ही कमाल है, जहाँ पे यॉट वगैरह हैं सामने, नीचे आप रोड्स एंजॉय कर सकते हो देख के जो नज़ारा है, कुछ कुछ हमने टाइम लैप्स लिया है। और ये बेसिकली एक सर्कल है जिसके बीच में स्ट्रक्चर है और इसकी शेडो वो दिख रही है, तो हम वहाँ पे कहीं पे हैं। बड़ा ही इंटरेस्टिंग है यार, मतलब काफ़ी मज़े की चीज़ है। चारों तरफ का जो व्यू है ना वो कमाल का है। इधर देखोगे तो यहाँ पे जो व्यू है ये भी इंटरेस्टिंग है, ऊपर से लेके नीचे तक। सामने इधर कुछ फेरीज चल रही हैं, सामने केबल कार है, तो वहाँ पे केबल कार में भी जाने वाले हैं। इस तरफ आएंगे तो मैं अभी शो करता हूँ जहाँ पे हम आए थे, तो वो स्ट्रीट है। सारा करतब वहाँ पे हो रहा था जहाँ से अभी हम निकल के आए ना, ये वाला सेक्शन था जहाँ से हम लोग चल रहे हैं। और बेसिकली पीछे हमारे जो है ये बटन है, बटन दबाओ उसके बाद में ये है पुश द बटन टू गो डाउन, और उसके बाद में ये इधर एलिवेटर है एकदम पतला सा, तो इसके अंदर से हमको वापस जाना है। यहाँ पे जो आपको चीज़ें दिख रही है ना, ये मतलब कितना अच्छा नज़ारा है यार इस तरफ से। और मैं आपको अगर इस तरफ का दिखाता हूँ तो यहाँ पे ये है पूरा बार्सिलोना, आप यहाँ से देख सकते हो यार, राइट लेफ्ट सब तरफ। दोस्तों ये एक जुगाड़ है जहाँ पे मैं अपने हाथ से पकड़ के टाइम लैप्स ले रहा हूँ इस भाग्य को, और थोड़ा सा टावर हिल रहा है, थोड़ा डर लग रहा है, लेकिन यार व्यू इज फैंटास्टिक। ऊपर से आप पूरा मतलब सिटी देखते हो यार, काफी कमाल है। नीचे पूरा ट्रैफिक है इधर। हमारा नंबर आ गया जाने का, कम ओके किसके अंदर, एक छोटे से कैप्सूल में। There's just one level. 60 meters. Yeah. 60 meters. एक दोस्तों मजे की बात कि ये 100 साल से ज्यादा पुराना है, I think 1888 and the total weight is I think 200,000 kilos. Exit. इधर यहाँ पे वाइन के लिए बहुत सारी वैरायटी है, और ये भाई लोग करके इधर बुला रहे हैं, बोलते हैं कि चलो वापस, बहुत घूम लिया। टाइम आ गया आइसक्रीम खाने का। पीछे है यहाँ पे हमारे पास में दुकान, एंड could please give me one caramel. How much total? 960 please. 960. Thank you. अच्छी है, बहुत अच्छी है ना, कैरेमल अच्छी है। गाड़ी को दो पहिए को ऊपर कर लिया है, पता नहीं किस लिए, मौसम के हिसाब से प्लस हम जो काम कर रहे हैं उस हिसाब से। मतलब आप लोग को शायद जो कंटेंट है ना व्लॉग का, जो अलग अलग चीजें हैं, वो डे बाय डे बेटर बेटर देखने को मिल रही है। ऐसा मैं होप कर रहा, क्वालिटी इंप्रूव हो जा रही है मेरे साथ रह रहे के। देखो बता रहा हूँ डायरेक्शन ये देखो मतलब इस इंसान को देखो ना, काम की बात किया और दोस्तों यहाँ पे आ गए हैं बस स्टॉप पे। जो अगली बस है हमारे लिए नीचे वाली है D20, वो है 2 मिनट बाद, और बस लेके हम जाने वाले हैं यहाँ पे पहले बीच। दोस्तों हमारी जो बस है वो बस कभी भी आ सकती है किसी भी टाइम बहुत जल्दी। जो बस का नंबर है वो है D20। ये है बस का मैप, हम अभी यहाँ पे हैं, हमको यहाँ जाना है, और ये बस हमारी आ चुकी है। Hola. पहुंच गए भैया बीच, और बीच कहाँ पे है, बीच यहाँ पे है, सीधा बस, 10 मिनट की राइड बस से, और हम पहुंच गए हैं बीच। और क्या नज़ारा है, आज का टेकटॉक्स का वेन्यू यही होने वाला है, ये वाला बेस्ट वेन्यू रहेगा टेकटॉक्स का, मज़ा आ जाएगा यहाँ पे। भाई यहीं पे बीच के बगल में कुछ खाना पीना कर लेते हैं अंदर, एक्चुअली थोड़ा गर्मी लग जाएगी, बाहर बहुत ठंड है, और मैं अपनी टेकटॉक्स की प्लानिंग कर लूँगा। तो आते हैं, एंड ये सही जगह है, मेरा बेसिकली काम चल रहा है यहाँ पे, अभी इंटरनेट नहीं है, लेकिन मेन पर्पज इज ऑफिस भाई का हॉटस्पॉट यूज़ करके, और मैं अपना टेकटॉक्स की प्लानिंग करूँगा उसके बाद में। भाई अभी खाना हो गया आधे में, लेकिन छोड़ के आया हूँ वीडियो बनाने को, बिकॉज टेकटॉक्स का टाइम हो गया है और लैपटॉप की यहाँ पे जगह नहीं ठिकाने की, तो मैंने जो न्यूज़ है वो अपने फ़ोन में सेव कर लिए हैं, अभी वीडियो बनाऊंगा। इंडिया में इस टाइम पे मेरे ख्याल से 9:30 बज गए हैं, तो वीडियो शायद थोड़ा सा लेट जाएगा, लेकिन काम तो बन जाएगा, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों मैं अभी वीडियो शूट कर रहा था, और तो इन्होंने मुझे देखा और यहाँ पे आ गए। होला 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 पेप्सी कोला, estamos en Barcelona। यार ये जो वेव्स है ना, ये बड़ी कमाल लग रही हैं, बहुत मस्त व्यू आ रहा है। और अभी वहाँ चलते हैं सामने उधर टिप पे, वहाँ से शायद कुछ और इंटरेस्टिंग व्यू आएगा, फिलहाल के लिए ये जो है ये बहुत अच्छा है। दोस्तों अभी जो है वो हम करने वाले हैं कुछ और इंटरेस्टिंग स्टफ।
ये कहां से गए? क्या आ रहे? अब बीच में भाग रहे हैं, बीच में भाग रहे हैं आज। ये खड़े हैं आज, 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 आज पानी कैसा है? आज ब्लू है पानी, 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 पानी। दोस्तों यहाँ पे कुछ शावर्स हैं, लेकिन भैया इस मौसम में शावर कौन ले। तो भैया चलते चलते शाम का टाइम, इतना बढ़िया सनसेट हो रहा है, लेकिन वो सैडली हमारे पीछे हो रहा है। अगर सामने होता तो और मजा आ जाता, लेकिन कुछ एक इंटरेस्टिंग लोकेशन पे लेके जा रहे हैं भाई। प्यार प्यार मेरे भाई, मतलब क्या बोलूं, मतलब दुनिया मतलब नहीं हो गई। बड़ा स्टाइल से किए सर रंजीत भाई ना, कभी कभी ऐसे हिडन जेम निकालते हैं वीडियो में कि मजा आता है। भाई ये हवा के अगेंस्ट उड़ने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं, उड़ नहीं पा रहे बिकॉज हवा बहुत तेज चल रही है साइड से। भाई ये देखो हमने लगाया जुगाड़, जुगाड़ बोले तो कैमरा टिकाया फोन के आगे और लेना है टाइम लैप्स इस सनसेट का। और ये बेसिकली गोल्डन आवर में जो फोटो आती है ना भाई, सी द मतलब कितना नेचुरल लग रहा है ये। अरे यहाँ से अपन सबकी फोटो लो ना, बिल्कुल यहाँ से ना इस बैकग्राउंड से ना, उस एंड से लेते हैं क्या? अरे यार मैं तो ना एक्सपेरिमेंट, मतलब ये आदमी में टोपी पहनते शुरू कर दिए भाई। अच्छा आप टोपी खुद पहने, बहुत लोग दुनिया को टोपी पहनाते हैं, अपन खुद ही पहन लेते हैं। दिस इज बेस्ट। नो दोस्तों अभी बहुत ही मस्ती, बहुत ही मजाक किया, और अभी ना सामने लाइट्स जल रही हैं सारी, जो कि दिखने में बहुत कमाल लग रहा है। और अभी हम जंप करके कुछ कुछ फोटोज ले रहे थे पीछे। अभी टाइम है 360 डिग्री फोटोज लेने का, और यहाँ पे भैया लहरें जो है वो रुक नहीं रही हैं, और जस्ट सी ये जो मछलियाँ हैं ये पकड़ पकड़ के कितनी सारी इकट्ठा कर ली हैं यहाँ पे। मज़ा आ गया एक्सपीरियंस में। ये है आज का जो टूर है वो कमाल जा रहा है। अभी केबल कार बाकी है, वो एक और इंटरेस्टिंग चीज़ होगा, और उसके बाद में कुछ और दिन की करते हैं एंडिंग बाद में मस्त तरीके से। मित भाई के साथ में आने का सबसे अच्छा फायदा कि आपको टाइम पे खाना पीना मिल जाता, अगर आप याद नहीं भी रखते तो भाई याद दिला देता। और आज भी वही काजू, वही बादाम, वही अपना फिक्स साइज का पैकेट, डेली 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 डील, डेली ठंडा है। और ये देखो वो अभी लाइक ये फोटो के लिए जैकेट उतारनी पड़ती है, ये अलग बात। और इधर देखो एक जैकेट भाई, और जैकेट टाइम पास अनबॉक्सिंग। सर अभी हमारी क्या बन रही है? लस्सी तो बन चुकी, उसके बाद क्या बनती है पता नहीं। ठंड में लस्सी कैसे बनती है, इसका लॉजिक कहां से आया? लेकिन भाई बन जाती है ठंड में, लस्सी बन जाती है भाई। ये ना वादे पे निभाते नहीं है, अभी बोल चुका हूँ वीडियो में इतनी बार, केबल कार आएगा, केबल कार आएगा। भाई बोलते आज नहीं आएगा, नहीं, लास्ट डे आएगा। देखो अभी ऑलरेडी अंधेरा होने लगा है, सारी ऑन है। तो अभी अमित भाई ने बोला कि भाई आज नहीं तो ठीक है कभी और, नेक्स्ट 2-3 डेज हम लोग जाएंगे, पहले काम कर लेते हैं, वैसे भी हमारा काम भी है भाई। अभी अमित भाई मदद कर रहे हैं भाई की, जो मछली पकड़ रहे थे उनकी, और उनकी जो ट्रॉली है वो पहुंचा दी है ऊपर। आप अच्छे इंसान हो अमित भाई, हम सब अच्छे इंसान हैं, हम सब इंसान 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 बुरा नहीं होता, इंसान के कर्म बुरे होते हैं। ये नज़ारा मज़ा ही आ जा रहा, बस मज़ा मज़ा पूरा मज़ा। यहाँ पे एक्सरसाइज चल रही है, तो यहाँ पे कुछ लोग अपना कर्तव्य करें टेढ़े मेढ़े, और सामने कुछ खेल कूद हो रहा अच्छी एक्टिविटी के लिए। और ये सामने जो लगा रखी है चेयर्स बैठने के लिए, यहाँ पे बैठो और एंजॉय करो बड़ा ही मस्त तरीके से। फेब 14 को लेके सर क्या हो गया? फेब 14 को क्या होता है? फेब 14 को भाई शॉमी का लॉन्च हुआ था, उसके लिए बहुत काम करना पड़ा उससे। यार शादी को साल कितने वो तो बताओ, मेरे को थोड़ी मालूम, मेरी बीवी से पूछो। ये तो भाई अभी शेयर बन रहे वाकई में। कैमरा 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 टकरा मत देना भैया लेंस है मेरा। ऐसा होता है। तो फाइनली अभी हमको जो बस मिली है ना, ये डायरेक्टली लेके जाएगी कॉल ब्लैंक, हालांकि टाइम लगेगा 50 मिनट, लेकिन बेस्ट चीज़ ये है कि हम बिना बस चेंज किए सीधा अभी अपने घर पहुंच जाएंगे। तो अभी जाके फिर सोना है, और आई थिंक वीडियो के एंडिंग पे घर पहुंच के कर देते हैं। अमित भाई पीछे कुछ खाना ऑर्डर कर रहे हैं, लस्सी और क्या क्या अभी हम सब ऑर्डर कर रहे हैं, और सब कुछ हम जाके आराम से घर पे खाएंगे। वापस से अभी सुपर मार्केट में घर के नज़दीक वाले कुछ बेसिक सामान खरीदने को, बिकॉज कुछ भी करो डेली जरूरत पड़ती है। और डे वन पे सोच रहे थे बहुत ले लिया, हम बहुत खा रहे, खा गए पूरा। भाई अभी ना दिल का दौरा पड़ते पड़ते बचा, एक छोटा सा मिनी दौरा, बिकॉज अभी कमरे की चाबी, हमारे घर की चाबी
एक सेकंड के लिए लगा कि भूल गए और अगर मुझे तो वो नहीं था कि चाबी गई तेल लेने, चाबी तो आ जाएगी। खाना जो मंगाया है इधर बाहर बैठ के खाना पड़ेगा और खाली नहीं है। इसको बोलते हैं ट्रू इंडियन, खाना खाना इज इम्पोर्टेंट, भूख इज इम्पोर्टेंट, दूसरा जो होगा सही है। तो भैया हम तो आ गए घर और हमारा जो खाना है वो भी आ गया नीचे, तो मैं लेने जा रहा हूँ खाना नीचे। और मैंने नीचे कुछ नहीं पहना क्योंकि हम अंदर बैठे थे आराम से बिस्तर में, लेकिन अभी इतनी टाइम के लिए कौन चेंज करेगा। लीजिए भाई ये सारा है क्या? अच्छा ये चलो कितना हुआ? 71.45 ना। मैं कहाँ से हैं आप? न्यू दिल्ली क्या बात है। चलो थैंक यू भाई, थैंक यू, मजा आ गया, थैंक यू। थोड़ा सा लेट हो गया, भाई लोग ने पहले से खाना चालू कर दिया, लेकिन खाना बड़ा मजेदार है। पनीर की सब्जी, साथ में दाल, साथ में पकौड़े, साथ में चिकन, साथ में लस्सी। तो भाई खाना हो गया और क्योंकि मैंने सबसे लेट ज्वाइन किया इसलिए सबसे लेट मेरा ही खत्म हुआ। उधर भाई तो एकदम फ्री हो गए खाने से, सबने खाना खा लिया, इधर रेस्ट वेस्ट करके बैठ गए, खत्म हो गया सबका। मेरी बस लास्ट में थोड़ी सी लस्सी बाकी है। तो भैया मेरा भी खाना खत्म, खाना खत्म, तो भैया वीडियो भी खत्म। उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर कोई और सवाल सुझाव है तो भैया कर दो नीचे कमेंट, दिखाओ अपना प्यार, कर दो वीडियो को लाइक और शेयर। इधर है भैया ट्रिप रेजर वाले, सब्सक्राइब करो। उधर हमारे रजीत भाई, वो कब से ट्रिप रेजर वाला हो गया? वो दो चार दिन से। अच्छा, सब्सक्राइब करो और थोड़ा मुझे भी दिखा दो भैया प्यार, दबाओ लाल बटन को साथ में, दबाओ घंटे को, और बस लाइक शेयर आपका बनता ही है। और अगली वीडियो कल, कल क्योंकि जब तक बार्सिलोना तो डेली वीडियो बनेगी, उसके बाद में तो हफ्ते में एक बार आती है भाई। लेकिन प्यार दिखाओ, घंटे को दबाओ और मजा आ जाएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।